आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। यूपी भाजपा में संकट थमता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को चौथा जबकि अब तक 10वें भाजपा का इस्तीफा आ गया है। औरैया से विधुना विधायक विनय शाक्य, योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने आज इस्तीफा दे दिया है। धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं और चारों नेताओं ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को ही विनय शाक्य ने भाजपा से जाने का ऐलान किया था। विधायक ने कहा कि स्वामी प्रसाद जहां कहेंगे वहां जाएंगे। विनय शाक्य गुरुवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का दामन छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा चुके हैं, इस्तीफा दे दिया है। और अब तक 10 ऐसे बीजेपी नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, अभी तक 10 ऐसे नेता हैं जिनका इस्तीफा सामने आ चुका है, क्या कहेंगे इस पे? इस्तीफा तो अलग बात है, इस्तीफा भी सामने आया है। इसके लगभग लगभग 14 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इनमें कई बड़े ऐसे नाम हैं जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री थे और बड़े मंत्री थे, जिनमें आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि आपके श्रम एवं सेवायोजन मंत्री थे, इसके अलावा जो वन मंत्री थे दार सिंह चौहान, उन्होंने छोड़ दिया। आयुष मंत्री थे धर्म सिंह सैनी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ा यह फेरबदल है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए गहरा झटका है। जी, तो अभी और कौन कौन से नेता के पार्टी छोड़ने की आकलन करे जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान भी कहा था, उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा था कि 14 तारीख को मैं बड़ा धमाका कर सकता हूं। तो माना जा सकता है जिस तरह से लगातार मंत्रियों के इस्तीफे आ रहे हैं तो बड़ा यहां पर नुकसान है। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि प्राइम टीवी से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने भी ये खुलासा किया था, कई और बड़े मंत्री उनके संपर्क में हैं और वो भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य खेमे में जा सकते हैं। तो जो लोगों की, जो बड़े नेताओं की कही बात है तो कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर लगती नजर आ रही है। जिस तरह से एक एक करके कई नेता छोड़ चुके हैं बीजेपी का साथ और जो है मौर्य के साथ जा रहे हैं, और ये देखा जा रहा है कि मौर्य सपा की तरफ जा रहे, तो क्या ये संभव है कि जितने भी नेता बीजेपी को छोड़ रहे हैं वो सभी सपा में जाएंगे? देखिए, ये कंफर्म नहीं है, इसकी अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। पर जिस तरह से सभी लोग जाकर और समावेश प्रमुख जो अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और अखिलेश बाकायदा उस फोटो को ट्वीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अगर वो पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं तो आगामी भविष्य में सपा के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात तो कन्फर्म है कि जिस तरह से फोटो खिंचा रहे सपा के साथ जा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि बड़ा ऐलान किया उन्होंने कि 14 तारीख को बड़ा धमाका करेंगे, तो धमाके के अभी भी खुलने की संभावना है। क्या धमाका हुआ, किस तरह से कहाँ करने वाले, इसके साथ ही साथ अन्य खेमों में भी जाने की उम्मीद रहती है। और रही फेरबदल की बात, तो अभी फेरबदल और उम्मीद की जा सकती है, कुछ बड़े चेहरे और भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के जा सकते हैं। गौरव, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे थे और उनके साथ जितना समर्थन था, जितने विधायक थे, उनके जाने की अगर बात बीजेपी को पता थी तो बीजेपी ने क्या कुछ तैयारी करके रखी है? आज जिस तरह से बैठक भी हुई है और बैठक में भी इस बारे में विचार जरूर हुआ होगा कि आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए, और जो नेताओं की गतिविधि पता चलती रहती है कहीं ना कहीं माध्यम से, क्योंकि आज के समय में कुछ भी चीज़ छिपाना बहुत आसान नहीं है। एंड्रॉइड के समय चल रहा हो और तमाम जो सूत्र होते हैं वो बताते रहते हैं, जैसे मीडिया को जानकारी मिलती है वैसे अन्य सूत्रों को भी जानकारी मिलती है लगातार, और इसमें राजनीतिक दल भी पीछे नहीं, उनको सूत्र मिलते रहते हैं। तो जिस तरह माना जाता है कि मौर्य बड़ा चेहरा है पिछला वर्ग के, दर्द वर्ग के, और ऐसे समाज से आते हैं जिसका समाज का खासा वोट प्रतिशत है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और जिसको देखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि उनको बनाया जाए। पर जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल चुनावी वक्त पर अपना इस्तीफा दिया है, उनके साथ साथ जो प्रमुख चेहरे थे जो बहुजन समाज पार्टी से के साथ उनके साथ काम कर रहे थे उस समय मौर्य के साथ में, फिर उनके द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की गई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वहीं हम जाएंगे। वहीं कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो कि इस खेमे से नहीं है, वो भी लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अंदेशा है कि भविष्य में और बड़े चेहरे भी पार्टी छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक जितने भी रहे हैं वो अब बीजेपी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 10 ऐसे नेता और विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने की बात कही। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे ये सभी नेता।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2.47 लाख नए केस सामने आए हैं। अब नए मरीज बढ़ रहे हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम हो रही है। नतीजा ये आ रहा है कि एक्टिव केस भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में अब 11.17 लाख एक्टिव केस सामने आए हैं। 3 जनवरी को 1.71 लाख एक्टिव केस थे। राज्यों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीते दिन कोरोना के 13,500 ज्यादा मामले सामने आए हैं और पंजाब में 6,344 तो उत्तराखंड में 2,915 नए केस सामने आए हैं, जबकि गोवा में 3,119 और मणिपुर में 206 नए मरीज मिले हैं। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और वहीं जिन राज्यों में चुनाव है वहां की स्थिति भी काफी गंभीर नजर आ रही है। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, जिसके चलते जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और रिकवर मरीजों की संख्या अब घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रिकवरी में टाइम लग रहा है लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस खबर पे हम ऐसा ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और 5 राज्यों जहां पे चुनाव है वहां पे सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको बता दें, अगर 24 घंटे की बात की जाए तो देश भर में 2,47,47,000 मामले आए हैं। आपको बता दें कि जब दूसरी वेव चल रही थी तो जून के महीने में इतने मामले थे, और एक्टिव केसों की बात की जाए तो अब देश भर में 11 लाख एक्टिव केस हैं। और वहीं अगर ये 5 विधानसभा चुनाव जहां हो रहे हैं जिन राज्यों में, उसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो 24 घंटे का आंकड़ा है तो 13,500 केस आए हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट है देश की वो 13 पहुंच गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो जो पंजाब और आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और असम, जहां भी चुनाव है 5 राज्यों में, वहां पे भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ती जा रही है। इसका बस एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो दले हैं उनके जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं, और गांव की बात करें तो गांव में भी अभी इस पे नियंत्रण नहीं लगा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को जो भी निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को अब तक पालन में नहीं लिया गया है, और जो राज्यों के अंदर में जो चुनाव आयोग है उनके तरफ से भी गाइडलाइन जारी करके बताया गया कि अगर जनसंपर्क किया जाए तो मात्र 5 लोग उस संख्या में जाएं और जनसंपर्क का काम करें। मगर इस पे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है असर, इससे कोरोना का मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है तो डेल्टा और ओमिक्रोन के खतरे से साफ तौर पर बचा जा सकता है। जी विभाषु, अगर बात करें ओमिक्रोन के मामले की तो अब तक देश में कितने मामले सामने आ चुके हैं ओमिक्रोन के? जी, आपको अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो लगभग 34,000 मामले हैं, और बात करें तो लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मामले हैं। अब देखना ये होगा कि ओमिक्रोन में को विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि ये नॉर्मल खांसी सर्दी है और इससे निजात जल्दी मिल जा रही है, मगर जो खतरे की बात है वो कोरोना केसों में बढ़ोतरी हो रही है, और आगामी चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं। तो सबको, सभी दलों को, अब सभी जो भी कार्यकर्ता हैं उनको पूरी अच्छे तरीके से जनसंपर्क करें, और कम से कम लोगों, अगर लोगों से मिलते हैं तो जो प्रोटोकॉल है उसको माने, सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम रखें, सैनिटाइजेशन हो, और साथ ही साथ मास्क का भी प्रयोग करें। और अब तक स्वास्थ्य विभाग के अंदर से, जैसे आपने पहले और दूसरे लहर में देखा था कि शहरों और नगरों और गांवों के अंदर में सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम रखा गया था, जिसको वहां के नगर निगम या पंचायत के द्वारा किया जा रहा था, इस बार इसमें पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग फेल दिख रहा है। अब तक ऐसे निर्देश नहीं दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कमांड सेंटर को पोस्टर लगाने के लिए अभिषेक प्रकाश ने 2 दिन पहले जो यहाँ के CMO है और SDM से उनको फटकार लगाई थी, और बोली थी कि 10,000 पोस्टर लखनऊ शहर के अंदर में लगाएं, जो कि अब तक नहीं लगे हैं। तो अब देखना होगा कि कैसे इस नियंत्रण किया जाता है, और अभिषेक प्रकाश के निर्देशों का अब तक पालन नहीं किया गया है। क्या अभिषेक प्रकाश उस पर कोई अब तक जायजा नहीं ले रहे हैं? इससे खास तौर पे देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में सभी दलों के यहाँ पे कार्यालय हैं, जहाँ टिकटों को लेकर प्रदेश भर के अन्य जन विधानसभाओं से लोग आ रहे हैं,
और खास हर एक पार्टियों पे जमावड़ा दिखने को मिल रहा है, मगर उस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। चाहे बात करें सपा की, चाहे बात करें कांग्रेस की, चाहे बात करें भाजपा की, हर जगह आपको लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ दिख रहा है और प्रशासन भी पूरे तरह से आंख बंद करके खड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कोई ऐसे निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं जिसको जो पुलिस है उसको उस पालन कराने में काम करे। विभांशु का बात करें, वैक्सीनेशन की 15 प्लस का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, बूस्टर डोज का भी, तब तक कितने मामले मतलब यानी कि आंकड़े पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन के? जी, अगर बात करें दोनों डोज की तो अब तक 9 करोड़ लोगों को दोनों डोज दे दी गई है, और अगर पहली डोज की बात करें तो अब तक 15 दशमलव कुछ लोगों को दूसरी डोज पहली डोज लगा लिए हैं। और बात करें अगर जो तो मनसुख मांडिया है जो अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके तरफ से कल एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि 3 करोड़ बच्चों को अब तक वैक्सीन लगा दिया गया है, मगर जो सरकार ने जो मापदंड रखे थे, जो उनका टारगेट था, वो कहीं पूरा हुआ नहीं, होता हुआ नहीं दिख रहा है। बच्चों की वैक्सीन लगाने के लिए उन्हें छुट्टी दी गई थी, उन छुट्टी का जो ठंडियों और वैक्सीन लगाने के लिए 15 जनवरी तक छुट्टी दी गई थी, मगर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 3 करोड़ बच्चों को अब तक 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है, जो रफ्तार बहुत धीमी है। अब स्कूल महज कुछ दिनों में खुल जाएंगे। सरकारी स्कूलों में अब तक कोई वैक्सीनेशन कार्यक्रम का, जो दूर दराज गाँव के क्षेत्र है जहाँ आपको इस तरह का नहीं व्यवस्था दिख रहा है। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और आज 2.5 लाख से ज्यादा, 2.47 लाख नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के बढ़ते मामले अब संकट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जो चुनावी राज्य है वहां पे मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मंगलवार को राजस्थान के अलवर में गैंग रेप की शिकार एक मूक बधिर बच्ची के साथ बर्बरता की गई और ये मामला सामने आने के बाद भी अभी भी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टर ने, जयपुर के डॉक्टरों ने 8 घंटे तक ऑपरेशन कर बच्चे को बचा लिया है, मगर 16 साल की नाबालिग के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर भी उस दरिंदगी को देखकर कांप उठे। ना केवल गैंग रेप किया गया बल्कि उसके साथ बर्बरता की गई। जिस तरह से वो बच्ची जख्मी थी, मंगलवार की रात अलवर में डॉक्टरों ने खून को रोकने की बहुत कोशिश की मगर रक्त स्राव नहीं रुका, तो घायल अवस्था में किशोरी को जयपुर लाया गया। यहां पर डॉक्टरों का कहना है कि वो अब खतरे से बाहर है। इधर 2 दिन बाद भी अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि 25 किलोमीटर के दायरे में 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है कि आखिर एक मूक बधिर बच्ची कैसे दरिंदों के हाथ लगी थी। बता दें कि इस पीड़ित बच्ची के माता पिता मजदूर है, पीड़िता के अलावा उनकी एक बेटी और एक बेटा भी है। तो परिजन अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। हाथरस के एआरटीओ कार्यालय में आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, जहां आचार संहिता लगने के बाद भी एआरटीओ कार्यालय से योगी मोदी की फोटो और योजनाओं के होल्डिंग और पोस्टर नहीं हटाए गए हैं। वहीं जब इस मामले में एआरटीओ नीतू सिंह से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया, जबकि अब देखना यह होगा कि आखिर एआरटीओ मोदी योगी के होल्डिंग को कब उतरवाती है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी आचार संहिता के को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। तो हाथरस से यह खबर सामने आ रही है, जहां एआरटीओ कार्यालय के पास ही बड़े बड़े योगी मोदी के होल्डिंग, फोटो और योजनाओं से भरे होल्डिंग देखने को मिल रहे। तस्वीरें देख सकते हैं आप साफ हाथरस से सामने आई है, जहां आचार संहिता का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब आचार संहिता लागू है। जिन राज्यों में चुनाव है उन सभी राज्यों में आचार संहिता लागू है, लेकिन इसका उल्लंघन देखने को मिल रहा है। हाथरस के एआरटीओ कार्यालय में आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। आचार संहिता लगने के बाद भी एआरटीओ कार्यालय से योगी मोदी के फोटो और योजनाएं के होल्डिंग और पोस्टर नहीं हटाए गए हैं।
तो कार्यालय पर अभी भी बीजेपी के जो पोस्टर हैं, बैनर है, होल्डिंग्स हैं, वो लगे हुए हैं, हट नहीं रहे हैं। इससे सवाल किया गया तो उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में एआरटीओ नीतू सिंह से बात भी की गई और उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया, जबकि कब ये पोस्टर होल्डिंग उतरेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है, इसकी जानकारी भी है, और जानकारी होने के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन और इस पे कुछ ना कहना, होल्डिंग पोस्टर ना हटवाना एक बड़ी लापरवाही है। ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं जहां लोग आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ये मामला हाथरस के एआरटीओ कार्यालय से सामने आया है जहां जमकर आचार संहिता के पोस्टर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, एक नहीं दो नहीं कई पोस्टर और होल्डिंग लगे हुए हैं। सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, और इस बार जबकि चुनाव आयोग ने सख्त लहजे में कहा था कि कड़ाई से पालन कराया जाएगा, कहीं पे भी ढील या फिर लापरवाही नहीं बरती जाएगी, उसके बाद भी अभी भी पोस्टर और होल्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं। फर्क साफ है का पोस्टर भी देखने को मिल रहा है एआरटीओ कार्यालय में, आचार संहिता का उल्लंघन देखने को मिल रहा है, और आचार संहिता लगने के बाद भी एआरटीओ कार्यालय से योगी मोदी की फोटो और योजनाओं के होल्डिंग और पोस्टर नहीं हटाए गए हैं। वहीं जब इस मामले पे एआरटीओ नीतू सिंह से बात की गई, करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया, और अब कब इस पर कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मयंक जुड़ चुके हैं। मयंक, जब बात करने की कोशिश की गई तो क्या कुछ कहती नजर आई? तो आपको बता देता हूँ कि नीतू एआरटीओ जो है हाथरस के संभागीय अधिकारी हैं, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए और मैं देखती हूँ आगे क्या क्या होगा, क्या कर सकते हैं मेरे से। जी जी, तो जिस तरह से पोस्टर और होल्डिंग लगे हुए हैं इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? जी शिखा, मैं आपको बताता हूँ, ये पोस्टर होर्डिंग जो लगे हुए थे, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये सरकारी अधिकारी हैं, और जबकि जिलाधिकारी महोदय ने यह भी बोल रखा है कि यहाँ अगर कोई भी कार्रवाई पाई जाती है तो किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ अपनी तरह से पूरी तरह से मनमानी चल रही थी। और जब हम सभी पत्रकारों ने जब यह खबर बनाई तो उसके बाद में इस होर्डिंग और पोस्टर को भी हटा दिया गया था। जी जी, तो क्या सिर्फ एआरटीओ पे ही देखने को मिले इस तरह के होर्डिंग और पोस्टर, या बाकी जगह भी देखने को मिल चुके हैं? जिस शहर में इस तरह के पोस्टर होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं, क्योंकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम अपना पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी कार्यालय, बीजेपी के भी होर्डिंग बैनर लगे हुए थे, वहीं बसपा के भी बैनर लगे हुए हैं, ऐसी भी वीडियो हमारे पास मौजूद है और उसको भी हम जल्दी ही दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता मयंक जुड़े हुए थे। तो ये हाथरस से खबर सामने आई है जहां एआरटीओ कार्यालय के साथ साथ अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पे आचार संहिता का उल्लंघन देखने को मिल रहा है, ये खबरें सामने आ रही है, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। 4:04 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।